बाढ़ थाना पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर अवैध चावल से भरे ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। बता दें कि चावल से भरा ट्रक कालाबाजारी के लिए कस्बा जरार से कुल्लू क्षेत्र हरियाणा के लिए जा रहा था, तभी पुलिस ने चेकिंग के दौरान ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। बीते दिनों कई राशन डीलरों के सरकारी राशन के खरीद फरोख्त के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, जिसको लेकर पुलिस टीम और खाद्य विभाग की टीम लगातार सतर्क बनी हुई थी। इसी कड़ी में थाना भाव पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान अवैध चावल से भरे ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें कई कुंटल सरकारी चावल बरामद किया गया है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि चावल से भरा ट्रक कालाबाजारी करने के लिए कस्बा जरार से कुरुक्षेत्र हरियाणा के लिए जा रहा था, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। 11 बजे थाना एवं SDM साहब के द्वारा सूचना दी गई कि गाड़ी जिसमें चावल रखा गया है उसको जरार पुलिस चौकी पर रोका गया है। यहाँ उस सूचना के आधार पर मैं यहाँ पहुँचे, उसको देखे तो प्लास्टिक की बोरियों में हाथ की सिलाइयों पर चावल रखा गया है। ड्राइवर जो है ये बता रहा है, यहाँ पर मौके पर ड्राइवर मिला, इसके पास अपने स्क्योर कागज़ हैं और खाली गाड़ी के कागज़ हैं। ये बता रहा है हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है और जरार से कहीं से माल लूट दिया है। बाकी इसके भी जाँच की जा रही है, आगे जो भी होगा लगभग कितना माल होगा अनुमान नहीं लगा सकते, वजन कराने के बाद इसको हम बताएंगे कितना माल। डीजी महाजन न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।